बने की सरकार, चाहे लग जाए हाथ कड़िया। हर हर मोदी, 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 मोदी मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी, हर हर मोदी। आपने यहाँ पर देखा कि मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक पब रैली को संबोधित करने वाले हैं और पहली तारीख को आखिरी चरण के लिए जम्मू के लोग मतदान करेंगे और 8 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे। मेरे पीछे आप एक बड़ी सी स्टेज आप यहां पर देख सकते हैं और इसी स्टेज से नरेंद्र मोदी आज जम्मू की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं और आप तमाम भाजपा के प्रत्याशी भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंदर रैना, सत शर्मा और बाकी तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पुराना आजाद स्टेडियम में पहुंचेंगे, पब रैली को संबोधित करेंगे। और आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, और भी तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब रैली को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप यहाँ पर देखें, बड़ा पंडाल आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएगा और कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, एक बड़ी सी रैली को संबोधित जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी किशोर रेड्डी जी से हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे कि इस रैली को किस तरह से देखते, सर क्या कहेंगे मोदी जी आज एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे, क्या लगता है कितना मनोबल बढ़ेगा जम्मू की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी आने वाले हैं, कितना मनोबल बढ़ेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं का जब मोदी जी यहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे? कार्यकर्ताओं को नहीं है, सारी जनता के लिए संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कार्यकर्ता को इधर संबोधित करने वाले हैं, जनता को जो जम्मू कश्मीर में घर घर में रहने वाले लोगों को भी टीवी के द्वारा चैनल्स के द्वारा संबोधित करेंगे। ये जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर विकास के लिए, जम्मू कश्मीर आने वाले पीढ़ी के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरा समाप्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद को समाप्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर में जो संविधान का अधिकार पूरे लोगों को देने के लिए ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना जरूरी है। अगर परिवार राज आए तो फिर भ्रष्टाचार राज आएगा, भ्रष्टाचार राज आए तो जनता का खून पसीना लूटेगा, इसीलिए जम्मू कश्मीर को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है। 8 तारीख को क्या लगता है किस तरह के नतीजे आएंगे 8 तारीख को? भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद से हम नेतृत्व में बड़ा पार्टी उभर के आएंगे, सत्ता में आएंगे। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि डोगरा मुख्यमंत्री बनेगा इस बार जम्मू से, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा विधायक बनने के बाद जीतेगा, बिल्कुल जो आज जम्मू को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जम्मू से होगा, जम्मू को हम प्रायोरिटी देंगे, जम्मू को प्रायोरिटी देंगे। जी किशन रेड्डी जी से हमारे साथ है, जिन्होंने बड़ी चीज आज यहाँ पर की और उन्होंने कहा है कि जम्मू को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जम्मू से होगा और जी किशन रेड्डी जो कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के काम को देख रहे हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं, आज उन्होंने ये कहा है कि जम्मू को प्रायोरिटी दी जाएगी। तमाम बड़े नेता भाजपा के ये दावा कर चुके हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो जम्मू से होगा और डोगरा होगा। नमस्कार।